टू माय चैनल, मेरे चैनल शिखास किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उस वीडियो को। दोस्तों, आज मैं आपके साथ पंचमेल दाल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने 5 अलग अलग तरह की दाल ली है। आधा कटोरी मैंने मूंग की छिलके वाली दाल ली है, आधा कटोरी मसूर की दाल, आधा कटोरी अरहर की दाल और आधा कटोरी मैंने पीले मूंग की दाल ली है और साथ ही आधा कटोरी चने की दाल। खड़े मसालों में मैंने लिया लौंग, छोटी इलायची, काली मिर्ची और खड़ी मिर्ची और तेज़पत्ता। प्याज टमाटर को काट के रखा है। अदरक लहसुन को मैंने हल्का सा क्रश करके रखा है। तो सबसे पहले ये जो 5 तरह की अलग अलग दालें दिख रही दोस्तों, इन्हें सबसे पहले हम कुकर में डालेंगे और खूब अच्छी तरह से 2 बार इसे हम धो लेंगे ताकि दालों में जो ऊपर की तरफ पाउडर लगा रहता है वो निकल जाए। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें दोस्तों, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही हेल्दी है। ज़्यादातर हम एक ही तरह की दाल बनाते हैं, परंतु आज मैं 5 तरह की मिक्स दाल बना रही हूँ जिसका स्वाद बहुत ही अलग होता है और बहुत ही हेल्दी है। चने की दाल आधा कटोरी, मूंग की दाल ली है छिलके वाली, मूंग की धुली हुई दाल, मसूर की दाल और अरहर की दाल। तो आप देख रहे हैं 5 दालें बहुत दिखने में बड़ी अच्छी लग रही हैं और खाने में भी ये दाल बहुत ही स्वादिष्ट रहती है। तो बस इस तरह से मैंने इसमें पानी डाल दिया है और 2 बार इसे साफ पानी से मैं धो लूँगी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच मैंने नमक डाला है और 1/2 चम्मच हम हल्दी पाउडर डालेंगे और बस कुकर का ढक्कन लगा के इसे 10 मिनट तक के आप ऐसे ही छोड़ दें ताकि पानी में अच्छी तरह से दाल जो है वो अच्छी तरह से भीग जाए। उसके बाद आप गैस चालू करें और 3 सीटी बजाएं। आप देखेंगे कि कोई भी दाल है, चावल है, यदि हम उसे पानी में सोख करके रखते हैं तो वो बहुत ही जल्दी पकते हैं। अब आप देख सकते हैं इसकी 3 सीटी हो चुकी है और दाल हमारी अच्छी तरह से उबल गई है। मैंने इसे दूसरे बर्तन में खाली कर लिया है और उसी कुकर में अब मैं इस दाल का बघार तैयार करूंगी। 1 बड़े चम्मच इसमें मैंने देसी घी डाला है। जब भी आप दाल को बघारें दोस्तों, हमेशा घी का यूज़ करें। घी डालने से दाल का जो स्वाद होता है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और दाल जो होती है वो अच्छी पाचक हो जाती है, इसलिए भी घी से हमेशा बघार लगाएँ। 3 लौंग डाला है, 4 से 5 काली मिर्च डाली है, 1 बड़ी इलायची और 1 मैंने कर्णफूल भी डाल दिया है, 2 से 3 तेज पत्ते डाले हैं और खड़ी लाल मिर्च भी डाली है इसमें। जब ये हमारे खड़े मसाले हल्के से सुनहरे हो जाएं ताकि तेल में इनका फ्लेवर आ जाए, उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा, एक चम्मच जीरा डाल दिया है। अब जीरा भी हल्का सा सुनहरा हो जाए फिर इसमें हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन, जिसे कि मैंने हल्का सा क्रश करके रखा है। जब भी अदरक लहसुन डालें दोस्तों, कि बहुत ज़्यादा उसे बारीक ना पीसें, हल्का सा मोटा कुटा हुआ जो अदरक लहसुन होता है उसका स्वाद और भी ज़्यादा अच्छा आता है। 1 बड़े साइज़ का प्याज था जिसे मैंने काट के रखा था, वो भी इसमें ऐड कर दिया। प्याज को अच्छा हल्का सुनहरा सा कर लें। अब इसमें मैंने 2 बारीक कटे हुए टमाटर डाला है। अब टमाटर डालकर हमें इसे खूब अच्छी तरह से मिक्स करना है और बहुत अच्छी तरह से टमाटर को पकाना है। नमक हम इसमें बहुत कम डाल रहे हैं, 1/4 चम्मच ही मैंने नमक डाला क्योंकि उबालते समय भी हमने डाल दिया है। चुटकी भर मैंने हल्दी डाल दिया है ताकि प्याज और टमाटर इनका कलर अच्छा आ जाए। नमक डाल के हमने दाल पकाई थी, नमक डालकर दाल पकाने से दाल बहुत जल्दी पकती है। 2 चम्मच मैं इसमें धनिया पाउडर डाल रही हूँ। 1 चम्मच लाल मिर्च डालेंगे। यदि आप मिर्च कम खाते हैं तो आप 1/2 चम्मच लाल मिर्च का यूज़ करें या हरी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमारे मसाले बहुत अच्छी तरह से सिक चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारी उबली हुई दाल, 5 तरह की दाल जिसे हमने उबाल कर रखा है दोस्तों। अब हम इसमें बघार लगा रहे हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है दाल। इस दाल को आप रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं या चावल के साथ खाएं, आपको मज़ा ही आ जाएगा और बहुत ही हेल्दी है। एक साथ 5 तरह के अनाज हमारे शरीर में जाते हैं तो हमें मिलते हैं ढेर सारे विटामिन, प्रोटीन और मिनरल्स।
अब मैंने इसमें ऐड किया है, एक चम्मच मैं इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ और एक चम्मच मैंने इसमें जीरा पाउडर भी डाला है। अब सभी चीज़ों को खूब अच्छी तरह से मिक्स करें और दाल में हम बहुत अच्छा उबाल आने देते हैं। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ नींबू, एक नींबू का रस डालेंगे। आप चाहें यदि नींबू नहीं है तो आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, परंतु फ्रेश लेमन जूस डालें तो ज़्यादा अच्छा है। नींबू में तो बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी होता है, तो हमें नींबू का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। अब आप देख सकते हैं दाल में बहुत अच्छी तरह से उबाल आ चुका है। थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है मैंने और ये हमारी मिक्स दाल बनकर बिल्कुल तैयार है। हमारी पंचमेल दाल बिल्कुल तैयार है। अब इस दाल को मैं किसी दूसरे बर्तन में खाली कर लेती हूँ और फिर से आखिरी में हम इसमें एक तड़का और लगाएंगे, क्योंकि इस दाल में अगर तड़का ना लगाया जाए तो फिर इसे खाने में उतना मज़ा नहीं आता। फिर से मैंने 2 चम्मच घी डाल दिया है। घी जैसे ही गर्म होगा तब हम इसमें डालेंगे जीरा, और जीरे को करना हमें बिल्कुल सुनहरा। तो अब आप देख सकते हैं गरम घी में जीरा भी जो है वो बहुत अच्छी तरह से सुनहरा हो चुका है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च। आप देख सकते हैं मैंने गैस को बंद कर दिया है, थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हो जाए उसके बाद हम लाल मिर्च डालेंगे। एकदम गर्म घी में अगर लाल मिर्च डालते हैं तो लाल मिर्च थोड़ी सी जल जाती है, उतना सुंदर कलर नहीं आता है। तो मैंने अब इसमें लाल मिर्च डाली है और इस गरम गरम बघार को अब मैं दाल के ऊपर डाल रही हूँ। तो ये हमारा तड़का लग गया पंचमेल दाल पर, मिक्स दाल में। तो दोस्तों आप इस पंचमेल दाल की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छी लगती है ये मिक्स दाल। और यदि आपको मिक्स दाल का ये वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ मुझे एक छोटा सा लाइक ज़रूर दें। तो दोस्तों रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपको करना है लाइक, साथ ही साथ मेरे चैनल शिखास किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी